ओके आज हम लोग का टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था, हमारे पास यूरेनियम का एक मटेरियल था 235 ठीक है। जब 235 को हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो उसको उसके हमको दो पार्ट मिलते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम, जो हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्ट होते हैं। और जब यूरेनियम को लोअर एनर्जी वाला मटेरियल है, लोअर एनर्जी वाला न्यूक्लियस है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो इससे हमको हायर एनर्जी वाले क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, क्रिप्टॉन और बेरियम ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, 7.6, और जब हम हायर में जानते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, 8 के बाद आती है ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब ये वाली प्रोसेस होती है तो इसमें से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का हम लोगों ने नाम क्या रखा था, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। अब हम दूसरी तरह की प्रोसेस भी हम करते हैं और ये प्रोसेस भी नेचर में होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लाइट न्यूक्लियस लेते हैं जैसे हाइड्रोजन ठीक है। जब हाइड्रोजन को हम कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम हीलियम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब दो लाइट न्यूक्लियस को लेकर एक हैवी न्यूक्लियस हम बनाएंगे, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन ऐड करेंगे। और भी क्या किया था, तोड़ा था, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हम कहां जाते हैं, हायर बाइंडिंग एनर्जी में। और जब ऐसा हम कर लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का नाम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहले ये वाली जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन वाली, ये किस तरह से पॉसिबल होती है, इसकी रिएक्शन देखिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हाइड्रोजन लेते हैं, ये एच हाइड्रोजन है ओके। जब दो हाइड्रोजन को कंबाइन कराते हैं, क्या कराते हैं, कंबाइन, ये हम कर क्या रहे हैं, तो आंसर है हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए दो हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन कराएंगे, तो कंबाइन कराने पर हमको क्या मिलता है, 2-1 H मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और साथ में इससे एक पॉजिट्रॉन फ्री हो जाता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, और इतनी एनर्जी हमको मिलती है। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन मैंने लिया है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होती है, वो यहां होता है इस लेवल पर, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो जब दो हल्के हाइड्रोजन को हम कंबाइन करते हैं तो हमको इतनी बाइंडिंग एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, जब क्या बनता है, ड्यूटेरियम। और वो एनर्जी कितनी होती है, 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। इसके बाद हमने ड्यूटेरियम को कंबाइन कराया, दो ड्यूटेरियम ले लिए, भारी हाइड्रोजन, और जब दो ड्यूटेरियम लेते हैं तो हमको एक हल्का हीलियम मिलता है। भारी नहीं, भारी हीलियम का वेट कितना होता है, 4, और उससे कम वाले का कितना होता है, 3। तो ये हल्का हीलियम मिलता है और साथ में इससे एक न्यूट्रॉन मिलता है, और इतनी एनर्जी हमको मिल जाती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है ठीक है। इसके बाद अब हमने एक और तरह का रिएक्शन देखा, इसमें भी हमने दो ड्यूटेरियम लिए तो हमको क्या मिलता है, 3H हाइड्रोजन मिलता है और एक प्रोटॉन फ्री होता है, और इतनी एनर्जी हमको क्या होती है, मिलती है। ये जो रिएक्शन हो रही है सारी की सारी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हाँ जी, मैं ये आपसे ये कह रहा था, जब दो ड्यूटेरियम को हम कंबाइन कराएंगे तो हमको एक ट्रिटियम मिलेगा और एक हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, और साथ में हमको क्या मिलने वाली है, 4.0203 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो देखिए ये कोई हम इसको ऑर्डर नहीं दे रहे कि हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके तुम ये बनाओ ये बनाओ, हमने तो एक ढेर रखा हुआ है हाइड्रोजन का, उस ढेर में एक बार रिएक्शन पॉसिबल हो गया किसी भी तरह से तो कुछ भी हो सकता है, हीलियम भी बनेगी, ट्रिटियम भी बनेगा, ड्यूटेरियम भी बनेगा, तो ये सारी चीजें उसमें बन रही है, उस ढेर के अंदर ये सारी चीजें बनती है ठीक। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये उसकी रिएक्शन हो गई। अब हम लोगों ने जब न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक फ्यूजन से कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, तो हमने उसमें एनर्जी स्टडी की थी, 200 मिलियन वोल्ट निकली थी ओके। उसी तरह से इसमें कितनी एनर्जी हमको मिलती है उसको हम निकालना चाहते हैं, अच्छा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ये आपने देखा कि इतनी इतनी एनर्जी हमको मिलती है
ओके, ये ग्राफ से निकाली हमने, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ये कब पॉसिबल हो सकता है, तो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या टेक्निक होती है हमारे पास, देखिए हमने दो हाइड्रोजन को लिया और हम सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा देंगे, तो इतना आसान नहीं होता। दो हाइड्रोजनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते, क्यों कंबाइन नहीं कर सकते, उसके रीजन है। क्या रीजन है, आपने एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, प्रोटॉन बचा, उसी प्रोटॉन का नाम क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन है ये, तो एक हाइड्रोजन है ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोगों ने जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये रिपल्शन का फोर्स इनको चिपक नहीं देगा, जब तक ये आपस में चिपकेंगे नहीं तब तक ये कंबाइन नहीं होंगे, तो ये वाला फोर्स जब इनको रिपेल करता है इसको हम बोलते हैं कूलाम फोर्स, तो कूलाम फोर्स के कारण ये क्या होना चाहते हैं, रिपेल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अगर ये एक दूसरे के पास आ गए, तो जैसे ये पास आ जाएंगे तो फिर इन पर कौन सा फोर्स हावी हो जाएगा, न्यूक्लियर का फोर्स, और न्यूक्लियर का फोर्स कब हावी होगा, जब ये आपस में चिपक जाएंगे, तो उस समय इतना न्यूक्लियर का फोर्स होगा फिर ये अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए इनको करना क्या पड़ेगा, तो आंसर है इनको पास में लाना पड़ेगा। अगर ये इतने पास में आ जाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन एक प्रोटॉन के डायमीटर के बराबर आ जाता है, तो ये चिपक जाएगा, फिर ये नहीं छूटेगा, लेकिन यहां तक लाना बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये यहां तक भी नहीं आता, अगर वो यहां तक भी आता है तब भी कूलाम फोर्स के कारण रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स कब पॉसिबल हो पाएगा, जब ये बिल्कुल कहां जाएंगे इसके, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इतना हावी हो जाएगा फिर ये नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम रेंज के लिए होता है, ज्यादा रेंज के लिए वो काम नहीं करता, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था हमको हाइड्रोजन को कंबाइन कराने में, तो ये वाला रिएक्शन हम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम करना चाहते हैं, तो हमको इन दोनों को पास लाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी कि एक दूसरे के पास आ जाए, तो फिर हमने उस एनर्जी की कैलकुलेशन की, कूलाम फोर्स के लिए एनर्जी कैलकुलेशन की कि कितने डिस्टेंस पर लाएंगे तो कितनी एनर्जी हमको मिलेगी, तो वो एनर्जी आती है लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी, ठीक। अब इतनी एनर्जी हमको चाहिए तब जाके ये एक दूसरे के नजदीक क्या आ पाएंगे, पास आ पाएंगे, और उस समय जब ये पास आ जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये छूट नहीं पाएंगे। अब हम हाइड्रोजन को एनर्जी कैसे देंगे और हमारे पास क्या साधन है एनर्जी देने का, तो आंसर है हमारे पास साधन है एनर्जी देने का, क्या साधन है कि हम किसी भी चीज को एनर्जी देने का तरीका क्या होता है, हम उसको गर्म करते हैं। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है भाई, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अभी कोई चीज है रूम टेम्परेचर पर और उस जो भी चीज है उसकी कुछ काइनेटिक वेलोसिटी होगी और उस काइनेटिक स्पीड के कारण उसका कुछ टेम्परेचर होगा, क्योंकि आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था कि टेम्परेचर किस कारण की वजह से है, तो आंसर है मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से है। तो जितना फास्ट एक मॉलिक्यूल मोशन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, जैसे एक कोल्ड ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, मैंने आपसे बोला इसको टच करिए तो आप उसको टच करके बताओगे कि इसका टेम्परेचर कम है, और एक हॉट ग्लास है इसमें चाय रखी हुई है, अब जब आप उस ग्लास को टच करने जाओगे तो आप जैसे ही उसको दीवार को ही टच कर लेते हो आप तुरंत हटा लेते हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतनी स्पीड में दौड़ रहे होते हैं कि वो दीवार को हीट कर देते हैं, वो हीट हमारी उंगली तक पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं गर्म है। तो गर्म चीज का मतलब क्या है कि गर्म चीज के पास मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडी चीज के पास क्या है मॉलिक्यूल की स्पीड कम है इसलिए उसका टेम्परेचर क्या है कम है, ये सब चीजें मतलब काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक थ्योरी में पढ़ी है, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन मोशन में है, अभी वो स्लो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो ऑसिलेट तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे चिपक नहीं पा रहा, तो हम ये चाहते हैं कि वो इतनी तेजी से ऑसिलेट हो कि वो एक दूसरे के चिपक जाए, तो चिपकाने के लिए हमको बहुत ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, हीटअप करने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी देकर, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं काइनेटिक थ्योरी से, थर्मल एनर्जी होती है, और वो थर्मल एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया है 3/kT, k क्या होता है भाई, कांस्टेंट, r/m, r क्या होता है बताइए, RT = PV,
आर गैस कांस्टेंट होता है, एन क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, इसलिए के का फॉर्मूला क्या होता है आर अपॉन एन। ठीक है, यहां से ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी को ही हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण है, और ये मोशन किस चीज के कारण है तो आंसर है टेम्परेचर के कारण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को ही आप किसमें चेंज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इतनी, ये कौन सी एनर्जी उनको चिपकाने वाली। तो जब आप इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे तब उसको इतनी क्या मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमने टेम्परेचर कैलकुलेट किया इसका, और वो लगभग कितना आता है 10^9 बिलियन। इतना टेम्परेचर हमको चाहिए तब जाकर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ क्या हो जाएगा चिपक जाएगा, उसके बाद वो नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे ही वो चिपकेगा हमको वो इतनी एनर्जी देगा। अब इससे क्या होगा, इतने हाई टेम्परेचर पर यदि हमने उसको चिपका दिया तो वो हमको इतनी एनर्जी देगा, उस एनर्जी से हीट बनेगी और हीट से टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। और अब टेम्परेचर एक बार बढ़ गया तो उसके बाद हमको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है, उस ढेर में जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो सबकी सब प्रोटॉन को एनर्जी मिलेगी, और सबकी सब प्रोटॉन क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर अब हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरी हाइड्रोजन, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह से हाइड्रोजन क्या होती जाती है कंबाइन होती जाती है। तो ये क्या शुरू हो गया, तो आंसर है चेन रिएक्शन शुरू हो गया, किसका हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन के चेन रिएक्शन को स्टार्ट कराने से पहले हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, और तभी ये वाले रिएक्शन क्या हो सकते हैं पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओके। तो इतने टेम्परेचर की हमको रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद क्या वाकई में ये नेचर में इस तरह की प्रोसेस होती है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स, और स्टार्स का एग्जांपल क्या है सन, और सन में ये प्रोसेस हो सकती है। क्यों, क्योंकि सन का टेम्परेचर कोर का टेम्परेचर 10^7 है, और जब किसी चीज का टेम्परेचर इतना हाई होता है वो गर्म होता है तो उसका बाहर का टेम्परेचर 10^9 भी हो सकता है। तो हम सोच सकते हैं कि सन में ये वाली प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, वहां पॉसिबल है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, देखिए सन स्टार्स जितने भी स्टार्स हैं वो मिलियन बिलियन टाइम से उनसे लाइट निकल रही है। लाइट क्यों निकलती है, तो आंसर लाइट निकलने का रीजन ये होता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने से वो चीजें चमकती हैं, और चमकने से उनमें से क्या निकलती है लाइट निकलती है। तो इसका रीजन ये है कि सन के अंदर भी कोई चीज गर्म है इसलिए उसमें से लाइट निकल रही है। तो सन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण लाइट निकल रही है, उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीके थे, स्पेक्ट्रम। तो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़े, स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने टेस्ट करके देखा कि जब हम सन का स्पेक्ट्रम लेते हैं हाइड्रोजन गैस को रखते हैं तो हाइड्रोजन की हमको क्या मिलती है ब्लैक लाइन मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में क्या है हाइड्रोजन है सन के अंदर। और हीलियम के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमने क्या देखा, उसकी भी ब्लैक लाइन मिल जाती है, तो उसमें क्या है हीलियम है। इसके अलावा हमने क्रिप्टॉन देखा, जीनोन देखा, और गैसें हमको नहीं मिलती। तो सन के अंदर मोस्ट ऑफ दी गैसेस कौन कौन सी है हाइड्रोजन है, और जो कंबाइन होकर जगह क्या बन रही है हीलियम बन रही है। ये हमको कौन बताता है, स्पेक्ट्रम बताता है। तो हाइड्रोजन से हीलियम का बनना एक कौन सी प्रोसेस है, तो आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है। तो हम ये सोच सकते हैं कि उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो जितने भी स्टार्स हैं सब में ये प्रोसेस होती है, क्योंकि सबके सब स्टार में क्या है सोर्स क्या है हाइड्रोजन है, जो काय में कंबाइन हो रहा है हीलियम में। इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन, जो कहां पॉसिबल होता है स्टार्स में। ओके, इसके बाद सन में किस तरह से रिएक्शन होते हैं, सन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है उसको हमने निकाला, कैलकुलेट किया और सोचा कि इस तरह से होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन लिए, प्रोटॉन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन छटक गया, एक हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन छटक गया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो ये दो प्रोटॉन्स है, ये आपस में कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनाएंगे, पॉजिट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, इतनी एनर्जी बनेगी।
उसके बाद ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर गामा रेज भी बनाते हैं, उससे हमको ये एनर्जी मिलती है। उसके बाद प्रोटॉन ड्यूटेरियम एक ही चीज में है, एक ही ढेर में है, तो कोई भी आपस में कोई भी रिएक्शन कर सकता है, तो रिएक्शन करके हीलियम भी बन जाता है, गामा रेडिएशन भी निकलता है, तो इतनी क्वांटिटी में हमको एनर्जी मिलती है। कभी कभी ट्रिटियम हीलियम आपस में कंबाइन होकर बड़ा हीलियम बना लेते हैं और दो हाइड्रोजन मिलते हैं, तब इतनी एनर्जी हमको रिलीज होती है। तो ये कौन सा साइकिल है, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और जब इनको आपस में कंबाइन किया केमिकली क्या बोलते हैं उसको बैलेंसिंग करके, तो हमको ये मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है इसका, इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन हमने किया इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये किसमें पॉसिबल है, सन में। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमको सन में ये वाली दिखती है, इसलिए सन से कंटिन्यू एनर्जी निकल रही है, हाई क्वांटिटी में एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो एनर्जी हमने निकाली है इसको जब हमने कंबाइन किया तो चार हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी निकलती है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केवल कितने हाइड्रोजन बने, फोर हाइड्रोजन के कंबाइन से इतनी ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। इससे पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी यूरेनियम, यूरेनियम हमने कौन सा लिया था, 235। जब ये टूटता है तो इससे 200 मिलियन वोल्ट एनर्जी मिलती है। बताइए कौन ज्यादा है कौन कम है दोनों ही कंपेरिजन में। तो अब मैं आपको बताता हूं इसको, इस तरह से सोचिए ये कितने हाइड्रोजन है, चार, उसके मुकाबले में ये कितने है, 235 यूनिट, और ये कितना यूनिट है, फोर यूनिट। तो केवल चार हाइड्रोजन है और ये कितने, इतने यूनिट यूरेनियम है। तो इतना यूनिट यूरेनियम लेते हैं तब जाके हमको इतनी एनर्जी मिलती है, और इसमें इतना ही ले लिया तब कितनी मिल रही है, इतनी। तो अगर आप एक हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो लगभग इससे एनर्जी हमको मिलेगी 6.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसका लेते हैं एक यूनिट तो कितनी आती है, 0.9, कैलकुलेट करके दिखा था कल, लेस देन 1। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हमको एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होती है, 6 times ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में। तो इसको दो लाइन में हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन जब फ्यूज होता है तो मोर एफिशिएंट होता है, और इससे एक यूनिट मास से कितनी एनर्जी मिलती है हमको, 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन, जबकि यूरेनियम से कितनी मिलती है, लेस देन 1, इतनी। ये बात समझ जाए, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद ये जो मोस्ट ऑफ दी ये कहां पॉसिबल होता है, सन में पॉसिबल होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, तो इसके एडवांटेज देखिए, इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि ये मोर एफिशिएंट है। दूसरा सुनिए, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्लीन फ्यूल। ये जब रिएक्शन होती है तो इससे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं निकलता, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इससे नहीं निकलता, ना कोई रेडियो एक्टिव वेस्टेज होता है। आप यदि केमिकली हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं बनाएगा। तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं होता और कोई फालतू का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिलता, तो इसलिए ये क्लियर क्लीन फ्यूल है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जबकि आप यूरेनियम का जब आप फ्यूजन करते थे तो उससे क्या निकलते थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है ना, नेचर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे ये काफी अच्छा है, तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं होता, ठीक। इसके बाद अगली चीज, हम ये वाला जब फ्यूजन करते थे तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है, यूरेनियम 235 की आवश्यकता है, और हमारी इंडिया में यूरेनियम हमको मिलता है 235 का यूरेनियम नहीं मिलता, तो हमको दूसरी कंट्री से उसको मंगाना पड़ता है। तो दूसरी कंट्री से हम मंगाते हैं तो तब जाके हम यहां पर फ्यूजन करते हैं। तो अगर हम दूसरी कंट्री से लगातार उसको मंगाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा का उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका काम खत्म है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसकी एक सफिशियंट क्वांटिटी है, लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किस में मिलती है, तो आंसर वाटर मिलती है, और पूरी दुनिया में वाटर भरा हुआ है। तो ये इतनी सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल है इस पूरी दुनिया में कि हम इसको जितना भी यूज कर ले ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत ज्यादा संख्या में अवेलेबल है, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। तो जब फ्यूचर में
यूरेनियम जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद हम बीसी का यूज करके आगे एनर्जी को बनाया करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार हाइड्रोजन, दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर चाहिए, 10^9 बिलियन, 1 बिलियन टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे पास ऐसा सोर्स होना चाहिए, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसका खुद का टेम्परेचर कितना हो, 10^9, ऐसी भट्टी होनी चाहिए, तब जाके वो किसी को इतना टेम्परेचर दे पाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं कि जिसका टेम्परेचर इतना हो, तो हम हाइड्रोजन को कंबाइन नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये एक बार कंबाइन हो गया और इसका टेम्परेचर राइज, एक बार ये टेम्परेचर पे पहुंच गया, उसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप इसको रोक नहीं पाओगे जब तक पूरी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी डेंजरस, उससे भी ज्यादा डेंजरस है। उसको रोकने का तो हमारे पास तरीका भी था, क्या तरीका था कि जब अगर हमारी चेन रिएक्शन बढ़ जाती थी तो हम कैडमियम रॉड डाल देते, जिसको हम क्या बोलते थे, कंट्रोल रॉड, या फिर हम उस पर लेड डाल देते थे, तो उससे हम उसको कंट्रोल भी कर सकते थे। लेकिन ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई तो इसको नहीं रोक पाओगे आप। जब तक इस दुनिया हाइड्रोजन है तब तक वो पूरी हाइड्रोजन को खत्म नहीं कर देगा, तब तक ये प्रोसेस चलती ही रहेगी और इतनी एनर्जी बनेगी, दिस इज हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा डेंजरस होता है, तो सन में तो ये फटते ही रहते हैं हाइड्रोजन तो ऑलवेज। अच्छा, अब ये हमने आपको प्रॉब्लम बताया कि इसकी ये दो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये थ्योरेटिकली है, क्या इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10^9 टेम्परेचर हमको चाहिए, अगर हम किसी चीज को इतने टेम्परेचर तक ले जाने की कोशिश करें तो हम बर्तन कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि किसी भी बर्तन को जब आप गर्म करोगे तो 4000-5000 के बाद वो भी वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ऐसा कोई बर्तन नहीं है, कोई चीज नहीं है हमारे पास जिससे हम इतना टेम्परेचर, इतनी हीट बना सके, तब जाके हाइड्रोजन कंबाइन होगा। तो ये हमको थ्योरेटिकल लगता है कि ये हम प्रैक्टिकली इसको नहीं कर सकते पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। अब कैसे करते हैं इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गर्म करते हैं, और हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करते जाते एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर चला जाता है। तो अगर एक हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर चला गया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, उसका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो अब क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। अब हम उस गैस को लगातार हीट अप करते जा रहे, जितने भी हाइड्रोजन थे सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो वो गैस क्या हो गई, आयोनाइज्ड हो गई। इस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाना, आयोनाइज्ड हो जाना, दिस इज प्लाज्मा। ये मैटर की अगली स्टेट है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ये स्टेट पर हमको हाइड्रोजन कैसी मिलती है, आयोनाइज मिलती है, जिसमें आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब हम उसका क्या करते हैं, अब देखिए जिस तरह से हम लोगों ने फ्यूजन कराने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, उसके प्रॉब्लम देखे पहले हमने, क्या क्या प्रॉब्लम थे, कि पहला प्रॉब्लम ये था कि हमको उसका कंसंट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि प्योर यूरेनियम नेचर में हमको नहीं मिलता, तो उसका कंसंट्रेशन करना पड़ता है, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कि उसके पास हाई स्पीड होती है, उसको कम करनी थी, अदरवाइज वो फ्यूजन नहीं करा सकता। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, चेन रिएक्शन एक हाई टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम को स्वीकार करके हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। तो अगर हम हाइड्रोजन से भी न्यूक्लियर फ्यूजन कराना चाहते हैं तो हमको ये सारी, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हाई टेम्परेचर चाहिए, दूसरा ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें हम हाइड्रोजन को बना सके, गर्म कर सके, तो बर्तन भी नहीं है हमारे पास, तो इसको किस तरह से हम गर्म करेंगे। तो अभी एक स्टेट मैंने आपको बताई कि हाइड्रोजन को आप गर्म करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक जाएगा, गर्म करते जाइए, एक स्टेट ऐसी आएगी वो प्लाज्मा बन जाएगा, और प्लाज्मा का मीनिंग क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाना, आयोनाइज हो जाना। अब इस आयोनाइज हाइड्रोजन गैस का हम करते क्या है, इधर देखिए, यहां पर हमने दो कॉइल लगाई स्पेस में और इन कॉइल में हमने करंट को फ्लो कराया, और जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब यहां पर मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हो गई इस तरह से, ये देखिए ये मैग्नेटिक लाइन क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां से प्रोटॉन को भेजते हैं, किसको भेजते हैं, प्रोटॉन, जो प्लाज्मा की स्टेट में है, हाई टेम्परेचर पे है। तो जैसे हम इसको प्रोटॉन को भेजेंगे तो प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है बताइए,
पॉजिटिव चार्ज है, और जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही उसके अंदर एंटर करेगा वो इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा, और घूमने के बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और साउथ से लौट कर कहां जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से इसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, कैप्चर हो गया, पकड़ा गया, ट्रैप हो गया। अब वो ट्रैप हो गया इसके अंदर, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी ये होती है वो हमेशा हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाता है। तो देखिए ये हायर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो यहां जाना चाहता है लोअर, बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कम। तो वो जैसे ही यहां पर जाएगा, लेकिन जैसे यहां पर जाएगा तो यहां तक जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब एक बार किसी चीज की स्पीड बढ़ गई तो ड्यू टू इनर्जिया ऑफ मोशन, यानी कि जड़त के कारण वो रुक नहीं पाएगा, अब वो चलते ही चला जाएगा, तो वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा, स्पीड है मैक्सिमम हो गई, इधर जाएगा। इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहां बिताएगा। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन अब अगली प्रॉब्लम क्या है, हमको टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन हमको बर्तन तो मिल गया, कौन सा बर्तन, हमने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, और ना कोई बर्तन यूज किया ना कुछ किया, स्पेस में इसको पकड़ के रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज हमको इतनी एनर्जी देनी है कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 10^9। एक बार हम उसका टेम्परेचर इतना पहुंचाना है, उसके बाद तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद तो हाइड्रोजन अपने आप कंबाइन होना स्टार्ट कर देगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम एनर्जी कहां से लाएंगे, तो हमको एक चीज पता है, उसके लिए हम यूरेनियम लेकर आते हैं। यूरेनियम हमारा एनर्जी का स्रोत है, तो उस यूरेनियम को लाकर इसके बीच में ब्लास्ट करवा देते हैं, बम चला देते हैं। बम चलाते हैं तो बम चलाने से कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी जब निकलेगी तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन का टेम्प बढ़कर 10^7 10^9 तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर 10^9 तक पहुंच गया, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगी, तो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और एक बार हाइड्रोजन गर्म हो गई, उसके बाद उसको टेम्परेचर को जरूरत नहीं है, उसके बाद तो जो भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे सबका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हीट निकलेगी, एक हाइड्रोजन की कंबाइन होने से हीट निकलती है, उससे टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर का यूज करके दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, इस तरह से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको पॉसिबल करके देखा नेचर में, कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। एक चीज और सुन लीजिए, जब हम इसमें हाइड्रोजन को भेजते हैं और हाइड्रोजन इसमें ट्रैप हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो मैग्नेटिक बॉटलिंग किस चीज की करी हमने, प्लाज्मा पॉजिटिव पार्टिकल्स की, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, मैग्नेटिक बॉटलिंग, इसको मैग्नेटिक बॉटलिंग बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब ये वाली प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई तो अब ये रुकेगी नहीं, कब तक नहीं रुकेगी, जब तक पूरी की पूरी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती, तो ये बहुत डेंजरस है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो इसके बेनिफिट भी है और इसके नुकसान भी है, लेकिन नुकसान तो है, चालू हो गया तो हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे, अनकंट्रोलेबल है, उसको तो रोकने के उपाय भी, इसको रोकने के उपाय नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है और इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल फालतू का रिएक्शन होता नहीं है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑल अबाउट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रेडियो एक्टिव, और नेक्स्ट क्लास में आपको